हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। 19 मई को सागर जिले में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथी पत्रकार चक्रेश जैन की पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई थी, जिसका विरोध मध्य प्रदेश सहित खरगोन जिला मुख्यालय पर भी देखने को मिला, जहां श्रमजीवी पत्रकार संघ खरगोन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए हम लगातार मांग करते जा रहे हैं, इसके पहले भी पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर लगातार समय समय पर ज्ञापन देकर, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा क्या है कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार के स्तर से प्रदेश सरकार में भी, प्रदेश सरकार भी इस विषय पर निर्णय लेकर इस पर कानून बना सकती है और कानून बनाना चाहिए, क्योंकि एक पत्रकार जो है अपनी जान माल का जोखिम उठाकर समाज के हित में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है, अपने कार्य को अंजाम देता है। लेकिन जब असामाजिक तत्वों को, जब पत्रकार की कलम से, पत्रकार की पत्रकारिता से खौफ लगने लगता है, तो इस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, जिसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौथा स्तंभ माना जाता है। आज की तारीख में जितने भी समाज को दिशा देने के कार्य हुए हैं, वह कलम और पत्रकारिता के माध्यम से ही हुए हैं, लेकिन इस प्रकार के हमले करके, इस प्रकार की घटनाओं से पत्रकारों का मनोबल आहत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पत्रकारों का मनोबल आहत होने वाला नहीं है। पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हमारे संविधान ने हमको प्रदान की, लेकिन संविधान के ऊपर भी बादल मंडरा रहे हैं। पिछले एक दशक से, जब से पत्रकारिता ने बड़े बड़े स्कैंडल, ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की राजनीति खोखली हो चुकी है। जो काम विपक्ष को करना चाहिए, सरकार के गलत कदमों पर, सरकार की गलत कार्यवाहियों पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन विपक्ष हमारे यहाँ पिछले दो दशकों से, आज से नहीं, दो दशकों से, जब से गठबंधन सरकारें चली है पूरे देश में, जब से सारी चीज़ें हुई, तब से विपक्ष बिल्कुल न के बराबर नकारात्मकता की श्रेणी में आ गया है, जो अपनी आवाज़ मुखरता से नहीं रख पाता है। तो आप गौर करेंगे कि 2G से लगा के जितने भी स्कैंडल सामने आए हैं, सारे स्कैंडल पत्रकारों की कलम से और पत्रकारों